आज हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं उसे ध्यान से देखना कि हम किसी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में बांटना सीखेंगे। उसके लिए सबसे जरूरी जो बात है कि एक तो हमको एक कोण के बराबर कोण बनाना आना चाहिए, और दूसरा जिस अनुपात का हमको रेखाखंड दिया होता है उस अनुपात के आधार पर एक दूसरा रेखाखंड हम उसके बगल में खींचते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा है कि एक 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो, तो हम सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। ये देखिए, हमने मान लो यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया है। ये हमारा रेखाखंड हो गया ए बी, ये 7.6 सेंटीमीटर हो गया। अब जो यहाँ पर दे रखा है कि 5:8, तो हमें ध्यान रखना है कि कोई ऐसी माप हम लें जिसे हम 5:8 के अनुपात में बांट सके। तो 5 और 8 का जोड़ होता है 13, तो या तो हम 13 सेंटीमीटर की कोई रेखाखंड खींच लें या फिर हम 13 का आधा 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लें। तो अभी चूँकि हमारे इसकी रेंज में आता है 13 सेंटीमीटर, तो हम 13 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर किसी भी एंगल पर 13 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड उसके साथ में खींच लिया है। ये रेखाखंड हो गया हमारा ए एम, ठीक है। अब हमें एम को बी से मिला देना है। ये जो हमारा था ये 7.6 सेंटीमीटर था, और ये ए एम, ये हमने अपनी मर्जी से इसको 13 सेंटीमीटर खींचा है। तो सबसे पहले हम इस ए एम को 5:8 में बांटेंगे। तो हमने ए एम को जब 5:8 में बांटेंगे, ये चूंकि 13 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो एक जो स्थान आएगा वो आएगा 5, और दूसरा हो जाएगा हमारा ये 8। तो यानी कि ये जो रेखाखंड है वो हमारा 5:8 के अनुपात में बट गया। अब हमें 7.6 सेंटीमीटर को 5:8 के अनुपात में बांटना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि M जो B के साथ कोण बना रहा है, वही कोण हमको यहाँ पर एक बिंदु हमने मान लो ले लिया N, जो हमारा AMB जो कोण है वही कोण हमारा AN के साथ यहाँ पर आना चाहिए। तो वही कोण हम यहाँ से बनाएंगे। तो देखिए, हमने क्या किया, केंद्र से रखकर यहीं से ही इस तरह से एक चाप लिया M से। देख रहे हैं सभी, हमने M से एक चाप लिया है, वही चाप हम N से इस रेखा की तरफ से लेंगे, ठीक है। पहला काम हमने देख लिया, जो काम हमने M से चाप लिया था वही चाप हम N से यहां पर लेते हैं। अब इस चाप से जो हमारा दूरी आ रही है, वही दूरी, उतनी दूरी हमको यहां से लेनी है और यहां पे हमको काटना है। देख लीजिए फिर से ध्यान से कि जो हमने M से चाप लेकर और इन ये जो चाप की दूरी ली थी वही दूरी हमको यहां से लेनी है, और अब इस चाप को हम बिंदु N से मिलाएंगे। अब जो कोण हमारा ये ए एम बी बन रहा है वही कोण हमारा ए एन, और यहां पर हमने एक बिंदु रख लिया सी, तो ए एन सी और ए एम बी बराबर के हमारे कोण बन रहे हैं। तो इसी प्रकार जो अनुपात ए एन और एन एम का है, ये अनुपात 5:8 आया है। अब चूंकि इसको तो हमने 13 सेंटीमीटर लिया, तो ये तो 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, वही अनुपात 5:8 का अपना ए सी और सी बी का हमारा रहने वाला है। यानी कि ए सी अनुपात सी बी बराबर 5:8 आ गया है। हमको यहाँ से इसकी नाप की कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ये 5:8 ही होगा। अब जरा हम इसको नाप कर भी देख लेते हैं, ये आ रहा है अपना लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है,
और ये आ रहा है अपना 7.3 सेंटीमीटर के लगभग है और ये लगभग 4.6 के लगभग है। तो जो इनका अनुपात आएगा वो भी 5:8 ही होगा। तो हम 7.6 के जब हम भाग करते हैं और 5:8 के रूप में लेते हैं तो वही हमारा अनुपात आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 7.6 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 2 अनुपातों में बांट सकते हैं।